A very, very good evening. This is Thursday, 11 January 2024. A very good evening. I'm Abhi Lahiri. You're watching News Wrap, a daily news bulletin, jisme hum desh aur duniya ki jitni bhi khabrein hain, wo aap tak batate hain, aap tak leke aate hain. Let's start with the national news for the day. Lal Krishna Advani, one of the strong and senior leaders of Bharatiya Janata Party, will participate in the consecration of Ram Temple on January 22nd. Alok Kumar, International Executive President of Vishwa Hindu Parishad, has confirmed this news, whereas the Congress Party has refused to participate in this function. Number two, Afghanistan ke Hindu Kush क्षेत्र में गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे एक बहुत भयंकर भूकंप आया. इसकी वजह से पाकिस्तान के इस्लामाबाद, रावलपिंडी और भारत में जम्मू कश्मीर से दिल्ली एनसीआर तक झटके महसूस किए गए. अकॉर्डिंग टू द नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी, इट्स इंटेंसिटी वॉज मेजर्ड एट 6.1 रेक्टर स्केल. नंबर थ्री, महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर से ने शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर नोटिस पर मच अवेटेड फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित समय सीमा जिस दिन समाप्त हो रही थी, स्पीकर राहुल नार्वेकर ने 1200 पेज का भारी भरकम फैसला सुनाया. स्पीकर ने कहा कि उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे या किसी भी नेता को हटाने का अधिकार नहीं है. इसे लेकर कोई भी फैसला राष्ट्रीय कार्यकारिणी का होना चाहिए था. लेट्स मूव टू द इंटरनेशनल न्यूज. क्या क्या है इंटरनेशनल न्यूज की जगह से खबरें. इन अ ग्राउंड ब्रेकिंग कोलैबोरेशन बिटवीन इसरो एंड नासा, द निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट इज पॉइज्ड टू गेट रेडी फॉर लॉन्च इन जनवरी 2024. दिस जॉइंट एफर्ट एम्स टू कॉम्प्रिहेंसिवली मेजर की अर्थ वाइटल साइंस रेंजिंग फ्रॉम हेल्थ ऑफ वेटलैंड्स टू ग्राउंड डिफॉर्मेशन कॉज्ड बाय वोल्केनोस एंड डायनामिक्स ऑफ लैंड एंड सी आइस. नंबर टू, कोरोना से दिसंबर 2023 में 10,000 लोगों की मौत हुई. ये जानकारी बुधवार को WHO ने दी. WHO ने कहा कि पिछले महीने क्रिसमस और नए साल के सेलिब्रेशन की वजह से कोरोना को फैलने का मौका मिला. फिलहाल कोरोना का JN1 वेरिएंट पूरी दुनिया में फैल रहा है. नंबर थ्री, इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी इज ऑन अ विजिट टू सऊदी अरेबिया. हज समझौते के लिए सऊदी गई ईरानी ने मदीना का भी दौरा किया. उनके इस विजिट की चर्चाएं काफी लोगों में है. लेट्स मूव टू द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स. क्या क्या है स्पोर्ट्स के जगत की मेन खबरें. द इंडियन टीम कैन चूज अ डिफरेंट विकेट कीपर प्लेयर इन द अपकमिंग टेस्ट सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड. केएल राहुल विल प्ले एज अ बैट्समैन. अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, ईशान किशन मे गेट अ चांस एज विकेट कीपर. नंबर टू, भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज मोहाली में खेला जाएगा. पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के IS बिंद्रा स्टेडियम में मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा. इस साल टीम इंडिया का यह पहला T20 मुकाबला होगा. नंबर थ्री, दबंग दिल्ली कैप्टन एंड रेडर नवीन कुमार हैज बीन रूल्ड आउट ऑफ द रिमेनिंग मैचेस ऑफ प्रो कबड्डी लीग सीजन 20 ड्यू टू अ नी इंजरी. द PKL फ्रेंचाइज गेव दिस इंफॉर्मेशन ऑन थर्सडे. द रेडर सफर्ड द इंजरी ड्यूरिंग अ मैच अगेंस्ट जयपुर पिंक पैंथर्स ऑन 27th of December. लेट्स मूव टू द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट. मालदीव विवाद चंद दिनों में ही काफ़ी आगे बढ़ चुका है और भारतीय हस्तियों से लेकर देश के हर देशवासी ने इसका विरोध में लगे हुए हैं. अ फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने फिल्म मेकर से मालदीव में शूटिंग ना करने की अपील की है और भारत में वैसी ही जगहों को चुनने के लिए कहा है. नंबर टू, अ न्यू सीरीज नेम्ड किलर सूप हैज बीन रिलीज्ड ऑन नेटफ्लिक्स कंबाइनिंग इंट्रीग एंड ह्यूमर विद द राइट स्पाइस. कोंगना सेन शर्मा एंड मनोज वाजपेयी किलर सूप इज बीइंग अप्रिशिएटेड बाय द व्यूअर्स. नंबर थ्री, भोजपुरी सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे आज अपना 37th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है. इस मौके पर हर कोई एक्ट्रेस को सोशल मीडिया के जरिए बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं. इसी बीच इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर निरहुआ यानी दिनेश लाल यादव ने भी आम्रपाली को खास अंदाज में बर्थडे विश किया है. उन्होंने एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. अब बात करते हैं बिजनेस की. क्या रहा मार्केट का हालचाल. सेंसेक्स में आज 63 पॉइंट्स की बढ़त थी, 71,721 पॉइंट पर क्लोज हुआ. वहीं निफ्टी 28 पॉइंट्स की बढ़ोतरी के साथ 21,647 पॉइंट पर क्लोज हुआ. बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प और रिलायंस वर टॉप गेनर्स, वेरास इंफोसिस, HUL एंड डॉक्टर रेडी लैब्स वर टॉप लूजर्स. द रेट फॉर 10 ग्राम ऑफ 24 कैरेट गोल्ड प्योर गोल्ड इज 64,120 रुपीज. And with that news, this is a wrap for this episode of News Wrap. I'll see you again tomorrow evening. Till then, stay happy, stay khush, and keep smiling. Ta-da.